कर्क राशि वालों, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि कल से आप सभी की जीवन काल में अचानक से जो बड़े महत्वपूर्ण घटना होने वाला है, दोस्तों सच्चाई जानकर आपके शरीर के रोम रोम खड़े हो जाएंगे, यूं कहें कांपने लग जाएंगे। क्योंकि दोस्तों कुछ ऐसे ही अद्भुत घटना अगले 24 घंटे के अंदर आप सभी की जीवन काल में होने वाला है। सच्चाई सुनकर आपको अपने कानों पर यकीन नहीं होगा, लेकिन दोस्तों आप सभी को बता दें कि अब यह चमत्कारी घटना होकर रहेगा। दुनिया की कोई भी ताकत ऐसी रोक नहीं सकता है। बस आप आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा, नहीं तो बहुत पछताओगे दोस्तों। ऐसा वीडियो और ऐसा मौका सभी को बार बार नहीं मिलता है। वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी मन तारने की सच्चे भक्त हैं, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्चे हृदय भाव से जय माता दी 3 बार लिख दीजिएगा। माता रानी का सीधा आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा। दोस्तों जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि कल से आप सभी के जीवन काल में गुरु की स्थिति सबसे ज्यादा प्रभावशाली रहने वाला है, जिनके कारण आप सभी की कुंडली में भगवान श्री हरि विष्णु जी सबसे बड़ा चमत्कार करने वाले हैं। सच्चाई जानोगे कि कौन कौन सी घटना आप सभी के जीवन में होने वाली है। दोस्तों आप खुशी से नाचने लग जाओगे, यूं कहें तो अब लंगड़ा भी एक पैर पर नाचने लगेगी, क्योंकि खुशखबरी ही ऐसा है। जी हां दोस्तों, परंतु हम आप सभी को बता दें कि आज के इस वीडियो को आप अकेले में ही देखना। दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि इस वीडियो में हम आपको जो महत्वपूर्ण बात बताने वाले हैं, इसके बारे में कानून खबर होने मत देना, चाहे कोई भी हो, किसी को भी मत बताना। क्योंकि दोस्तों हमेशा लोग आपका अच्छे पान का, आपके भोलेपन का फायदा उठाते हैं, और जब लोगों का काम निकल जाता है तो लोग आपसे हाथ छुड़ा लेते हैं। यदि आप यह गलती करेंगे तो दोस्तों खून की नदियां भी बहने वाली हैं, क्योंकि दोस्तों बात अब आपके जो अंदर है वह बाहर निकल चुका है, तो दुश्मन मौका नहीं छोड़ने वाले। इसलिए पहले ही हम आप सभी को बता रहे हैं कि जो बात हम आपको बताने वाले हैं उसे अपने ही अंदर दबा कर रखना। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि भगवान श्री हरि विष्णु जी के आशीर्वाद से और माता लक्ष्मी जी की आशीर्वाद से आप सभी की कुंडली में बहुत बड़ा हड़कंप पहुंचने वाला है। लेकिन आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आप सभी को अपने जीवन में यह 3 बातों का सबसे ज्यादा ध्यान रखना होगा। पहले जो हम आप सभी को बात ही दिए हैं कि किसी के भी ऊपर आप आंख मुड़ करके भरोसा मत कीजिएगा, क्योंकि आपकी राशि के जातक सभी के ऊपर अपना हक जताने लगते हैं। आपको लगता है जो व्यक्ति आपसे मीठी मीठी बात करते हैं वह आपके लिए बुरा नहीं सोच सकते, लेकिन दोस्तों आप जैसे सीधा है इस प्रकार इस कलयुग में सब सीधा व्यक्ति नहीं है। सब कोई यहां अपने अंदर छल की भावना को लेकर चलते हैं। इसीलिए इस वीडियो में हम जो बात बताने वाले हैं इसके बारे में किसी को कानो कान खबर होने मत देना। और दूसरा बात यह है कि वीडियो को आज शुरू से लेकर अंत तक बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा। वीडियो दिया थोड़ा सा स्किप कर देंगे तो आप बहुत बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी को मिस कर देंगे दोस्तों, जिससे इस वीडियो में जो लाभ की बात बताएंगे वह आपके लिए कोई फायदा नहीं करेगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा उलझन में ही डालता है। इसीलिए वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा। तीसरा ध्यान रखने वाली बात, धैर्य और संयम का पालन करें। भगवान विष्णु को धैर्य और संयम का प्रतीक माना जाता है। उनकी कृपा प्राप्त होने के बाद हमें अपनी इच्छाओं और उद्देश्यों के प्रति धैर्य रखना चाहिए। कभी कभी जीवन में कठिनाइयां और चुनौतियां आती हैं, लेकिन अगर हमने भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त किया है तो हमें धैर्य रखना चाहिए और संयम से अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। विष्णु जी का आशीर्वाद पाने के बाद धैर्य रखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनकी कृपा से सही समय पर सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। अतः धैर्य का पालन करना और समय के साथ संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। ध्यान रखने वाली बात, संस्कारों का पालन करें। भगवान विष्णु की कृपा से जीवन में उन्नति और सफलता प्राप्त होती है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हमें अपने मूल्यों और संस्कारों को भूल जाना चाहिए। विष्णु जी ने हमेशा धर्म और सत्कर्म का पालन करने पर जोर दिया है, इसलिए हमें अपने जीवन में सदा धर्म और संस्कारों का पालन करना चाहिए। दूसरों के प्रति सद्भावना, सत्य बोलना और अपनी जिम्मेदारियों को निभाना हमारे जीवन का हिस्सा होना चाहिए। ध्यान रखने वाली बात,
ईश्वर के प्रति समर्पण रखें। भगवान विष्णु की कृपा पाने के बाद भी हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह सभी उनका आशीर्वाद है। हमें अपने अहंकार को दूर रखकर ईश्वर के प्रति समर्पण की भावना बनाए रखनी चाहिए। जीवन में जो भी सफलता, धन और समृद्धि प्राप्त होती है, वह सब भगवान विष्णु की कृपा से ही होती है। इसलिए हमें सदा उनके प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए और नियमित रूप से उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। ध्यान रखने वाली बात, आध्यात्मिक साधना में रुचि बनाए रखें। भगवान विष्णु की कृपा से हमें भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त हो सकती हैं, लेकिन इससे हमारी आध्यात्मिक यात्रा को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हमें सदा अपने आध्यात्मिक उत्थान के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। योग, ध्यान और प्रार्थना के माध्यम से हमें अपनी आत्मा को शुद्ध करना चाहिए और भगवान विष्णु के प्रति भक्ति को और भी गहरा बनाना चाहिए। ध्यान रखने वाली बात, जीवन में संतुलन बनाए रखें। इतने जो परेशानी चल रहा है, आखिर क्यों चल रहा है? आखिर इसके पीछे कौन सा वजह है? आप सभी के ऊपर आंख मुड़कर भरोसा कर लेते हैं दोस्तों, लेकिन क्या आपको पता है जिसके ऊपर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, वह आपकी पीठ पीछे क्या करता है? आपके सामने मुंह पर बहुत ही मीठे मीठे बोलते हैं, लेकिन कभी कभी हमारे सबसे बड़े दुश्मन हमारे अपने ही होते हैं। यह सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन सच यही है कि कई बार हमारे करीबी ही हमारे सबसे बड़े गद्दार साबित होते हैं। आपके जीवन में भी तीन ऐसे गद्दार हैं जो आपके करीब हैं। इन गद्दारों ने आपके जीवन को बर्बाद कर दिया है। जब बागेश्वर बाबा ने आपके बारे में देखा तो वह भी हैरान रह गए। इन गद्दारों के नाम जानकर आपके भी होश उड़ सकते हैं। इनमें से एक व्यक्ति आपके घर में रहता है, जबकि दो अन्य आपके करीबी रिश्तेदार हैं। यह तीनों मिलकर आपके परिवार को बर्बाद करने का षड्यंत्र रच रहे हैं। पहला गद्दार आपके परिवार का सदस्य है, जिसे आपने हमेशा भरोसे के लायक समझा, लेकिन यह व्यक्ति आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है, आपकी योजनाओं को विफल करने की कोशिश कर रहा है। दूसरे और तीसरे गद्दार आपके करीबी रिश्तेदार हैं, जिन्होंने आपके विश्वास का फायदा उठाया है और आपके खिलाफ षड्यंत्र रचा है। बागेश्वर बाबा ने कहा कि इन गद्दारों का पर्दाफाश करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यह लोग आपके जीवन को कठिन बना रहे हैं। आपको इनकी पहचान करनी होगी और इनके खिलाफ कदम उठाने होंगे। पिछले 15 सालों में जो नहीं हुआ, वह अब होने वाला है। इन गद्दारों ने आपके परिवार को विभाजित करने और आपके जीवन को बर्बाद करने की योजना बनाई है। इस स्थिति में आपको सतर्क रहना होगा। इन गद्दारों की पहचान करें और उनके खिलाफ सही कदम उठाएं। अगर आपको किसी पर संदेह है तो उसकी गतिविधियों पर नजर रखें। परिवार और प्यारे दोस्तों का सहयोग इस समय महत्वपूर्ण होता है, इसलिए उनसे सलाह लें। भगवान पर भरोसा रखना भी जरूरी है, क्योंकि वे हमेशा सही मार्गदर्शन करते हैं। इन गद्दारों का सामना करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन यह बहुत जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो वे आपके जीवन को बर्बाद कर देंगे। इसलिए इन गद्दारों का पर्दाफाश करें और उचित कदम उठाएं, ताकि आने वाले दिनों में आपकी स्थिति सुधर सके। आप अपने आसपास के लोगों पर बहुत भरोसा करते हैं। अगर यह लोग आपको कह दें कि यह जहर नहीं बल्कि मिठाई है, तो आप उनकी बात मानकर वह मिठाई खा लेंगे, जबकि वास्तव में वह जहर हो सकता है, क्योंकि इन लोगों ने आपके खिलाफ काले जादू और टोने टोटके करवा रखे हैं। आप पूरी तरह से उनके वश में आ चुके हैं। आपके घर के लोग भी इनके प्रभाव में हैं। आपको जल्द ही सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि यह लोग अब बहुत ताकतवर हो चुके हैं। आने वाले दिनों में वे आपके साथ एक बड़ा खेल खेलने वाले हैं। मैं उनके नाम और पहचान आपके साथ साझा करूंगा, इसलिए ज्योतिष कार्यक्रम को पूरा ध्यान पूर्वक देखें। अगर आप अभी तक इन गद्दारों का नाम नहीं जानते हैं तो जल्दी करें, क्योंकि बहुत देर हो सकती है। कृपया मूर्खता वाले कार्य ना करें और ज्योतिष कार्यक्रम को पूरा देखें। ज्योतिष कार्यक्रम को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय बजरंग बली जरूर लिखें। बालाजी महाराज की कृपा आप पर बनी रहे। अब जानते हैं कि वह कौन तीन दुश्मन हैं जो आपके साथ रहते हैं और आपकी थाली में ही छेद कर रहे हैं। मैं रोजाना इतनी मेहनत करता हूं और महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम लाता हूं, इसलिए कृपया ज्योतिष कार्यक्रम को लाइक करना ना भूलें। आइए माताजी का नाम लेकर इस ज्योतिष कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आपकी एक कमजोरी यह है कि आप भविष्य की चिंता में अपने आज को भुला देते हैं।
आप अपने आज को बर्बाद कर रहे हैं, जबकि भविष्य तभी अच्छा होगा जब आपका आज अच्छा होगा। अगर आप आज खुश हैं तो भविष्य भी खुशनुमा होगा। आप बीते हुए कल को लेकर परेशान होते हैं, चाहे आपने कुछ खोया हो या कोई कठिनाई झेली हो, लेकिन जीवन तब सार्थक होगा जब आप वर्तमान क्षण का आनंद लेंगे। जीवन बीते हुए कल में नहीं है और ना ही आने वाले कल में, बल्कि वर्तमान क्षण में है। अगर आज आप एक झोपड़ी में हैं तो भी खुशी से रहिए, क्योंकि महलों में रहने वाले भी अपने दुखों से ग्रस्त हो सकते हैं। जीवन इसी क्षण में है, इसलिए इसे पूरी तरह जिए। कल की चिंता छोड़कर आज को जिए, क्योंकि भविष्य का कुछ पता नहीं। अब चलिए ज्योतिष कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। ध्यान से सुनिए। जब बागेश्वर धाम सरकार के बाबा जी ने आपके बारे में देखा तो उन्होंने भी हैरानी जताई। आपके सबसे खतरनाक 3 दुश्मनों के नाम सामने आए हैं जो आपके बारे में सब कुछ जानते हैं। आपके घर की छोटी से छोटी चीज से लेकर आपके घर के लोगों की गतिविधियों तक इनकी निगाहें 24 घंटे आपके घर पर रहती हैं। जब भी लोगों को मौका मिलता है वे अपनी चाल चल देते हैं। वे आपके ऊपर तंत्र मंत्र और टोने टोटके करवा रहे हैं। इन दुश्मनों को आपकी तरक्की से जलन है और वे आपके घर के लोगों को भी अपने वश में करना चाहते हैं। कुछ लोग आपके घर में पहले से ही इनके प्रभाव में हैं और अब वे आपके घर पर तंत्र मंत्र करवा रहे हैं, जिसके कारण आपके घर के लोग इनके कब्जे में आ चुके हैं। आपका दुश्मन जो भी कहता है आपके घर के लोग उसकी बात मानते हैं और उसकी तारीफ करते हैं। यह दुश्मन आपके आसपास ही है, वह आपकी थाली में ही बैठता है और उसी थाली में छेद कर रहा है। आपकी कुंडली और सितारों के आधार पर मैं अब आपके सबसे बड़े 3 दुश्मनों के नाम बताऊंगा। पहले दुश्मन का नाम सुनकर आपको बड़ा धक्का लगेगा और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि जो गुरुजी बोल रहे हैं वह सच है। आपको सलाह है कि इन दुश्मनों से तुरंत संबंध तोड़ लें, चाहे यह आपका सगा भाई हो या बहन। रिश्ते की गहराई कोई कोई मायने नहीं रखती, आपको इनसे नाता तोड़ना होगा। अब आपके दुश्मनों के बारे में विस्तार से जानकारी देता हूं। जैसा कि मैंने पहले कहा, एक दुश्मन आपके घर में ही रहता है और बाकी 2 दुश्मन आपके करीबी रिश्तेदार हैं। आपने इन पर पूरी तरह से भरोसा किया है और इनसे आपकी गहरी जान पहचान है। आपकी कुंडली के अनुसार आपके जीवन में दुश्मनी बहुत कम है और आपके दुश्मन भी आपके अपने ही हैं। ये कोई बाहरी दुश्मन नहीं है, आपके साथ कोई लड़ी झगड़ा नहीं हुआ है। ये दुश्मन आपकी आदतों और आपके भरोसे का फायदा उठा रहे हैं। प्यारे दोस्तों, अगले 24 घंटे के अंदर आप सभी के जीवन काल में एक ऐसा घटना घटित होने वाला है जिसे सुनकर आपका शरीर कांपने लगेगा। जी हां प्यारे दोस्तों, पूरा शरीर आपका थर थर कांपने लगेगा। प्यारे दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, यह घटना आपका जीवन में हर हाल में होकर रहेगा। इस घटना को होने से दुनिया का कोई भी ताकत रोक नहीं सकता है। लेकिन प्यारे दोस्तों, घबराने वाली को कोई बात नहीं है, आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है, क्योंकि प्यारे दोस्तों, यह जो घटना आपके साथ होने वाला है, यह घटना आपके लिए बहुत शुभ साबित होगा। यह घटना आपका जिंदगी बदल कर रख देगा। जी हां प्यारे दोस्तों, आज का यह घटना आपके लिए इतना शुभ और महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। प्यारे दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, अगले 24 घंटे के अंदर आपके घर में एक अद्भुत शक्ति का चरण पड़ने वाला है। जी हां प्यारे दोस्तों, 24 घंटे के अंदर एक देवता का चरण आपके घर आंगन में पड़ने वाला है। प्यारे दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, यह जो देवता आपके घर में अगले 24 घंटे के अंदर प्रवेश करने वाले हैं, यह देवता पिछले 7 सालों से आपके घर परिवार के ऊपर नजर बनाए रखें और आपका पूरा परिवार का रक्षा कर रहे हैं। प्यारे दोस्तों, आपके जीवन में बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतें आई हैं, लेकिन आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है, आपको ज्यादा परेशान नहीं हुआ है, क्योंकि प्यारे दोस्तों, इस देवता ने आपको हर एक परेशानी से बाहर निकाला है। इस देवता ने आपका बहुत साथ दिया है, इसीलिए आप और आपका परिवार है सही सलामत है। वरना प्यारे दोस्तों, आपका घर परिवार उजड़ गया रहता है, आपका पूरा परिवार रोड पर आ गया रहता, क्योंकि प्यारे दोस्तों, आपका घर को बर्बाद करने के लिए एक तांत्रिक बाबा ने जादू टोना किया था। आपका घर में आग लगाने के लिए आपका दुश्मन ने तांत्रिक बाबा से मिलकर यह जादू टोना करवाया था, लेकिन इस देवता के कारण आपका दुश्मन का मंसूबा पूरा नहीं हो पाया है।
प्यारे दोस्तों, अगर इस देवता का आशीर्वाद आपके ऊपर नहीं रहता, अगर यह देवता आपको इस माया जाल से नहीं बचता, तो आज आपका पूरी तरह से जीवन बिखर गया रहता। आपका परिवार रोड पर भी मांग रहा था और आप भी दर दर की ठोकरें खा रहे होते। प्यारे दोस्तों, आप बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत किस्मत वाले हैं, जो आपके ऊपर इस देवता का कृपा बना हुआ है, जो आपके ऊपर इस देवता का आशीर्वाद बना हुआ है। प्यारे दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, इस देवता का आशीर्वाद जब तक आपके साथ है, आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। जब तक इस देवता का आशीर्वाद आपके ऊपर बना हुआ है, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन प्यारे दोस्तों, आपको अपना दुश्मन से थोड़ा सावधान रहना होगा, क्योंकि प्यारे दोस्तों, आपका दुश्मन हमेशा यही सोचता है कि आपको किस तरह से गड्ढे में धकेल के गिराया जाए, किस तरह से आपको परेशानी में डाल दिया जाए, और इसीलिए आपका दुश्मन हमेशा किसी ना किसी तांत्रिक बाबा से मिलते रहता है और आपके घर परिवार के ऊपर जादू टोना करवाते रहता है। प्यारे दोस्तों, ऐसा करके दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। परंतु प्यारे दोस्तों, अगर आप दुश्मन से थोड़ा सावधान रहते हैं, थोड़ा सा तर्क रहते हैं, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। इसलिए प्यारे दोस्तों, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा, आप इस नाम का व्यक्ति से रिश्ता नाता तोड़ लीजिए। इस नाम का व्यक्ति आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। प्यारे दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, इसी नाम का व्यक्ति से आपके जीवन में तमाम प्रकार की परेशानियां देखने को मिलता है। यह व्यक्ति हमेशा आपकी सफलता में टांग अड़ता है। इसलिए प्यारे दोस्तों, इस नाम के व्यक्ति से आपको दूरी बना लेना चाहिए। प्यारे दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बताते हैं, इस नाम का जो दुश्मन है कोई गैर नहीं, आपका अपना ही है। आप इस नाम के व्यक्ति को अच्छे से जानते हैं। इस नाम का व्यक्ति आपका पड़ोसी ही है। नाम सुनेंगे तो आपका होश उड़ जाएगा। जी हां प्यारे दोस्तों, जब आप अपना दुश्मन का नाम सुनेंगे तो आपका होश उड़ जाएगा। आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि यही वह व्यक्ति है जो मेरा दुश्मन है, क्योंकि प्यारे दोस्तों, इस व्यक्ति पर आप बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं, इस व्यक्ति पर आप बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं। आप कभी सपने में भी नहीं सोच सकते हैं कि यह व्यक्ति आपके साथ गलत करेगा। आप कभी सपने में भी नहीं सोच सकते कि यह व्यक्ति आपका जिंदगी बर्बाद करना चाहता है। लेकिन प्यारे दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, इस नाम का व्यक्ति आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। यह मैं प्रूफ के साथ बताने वाला हूं, इसलिए ज्योतिष कार्यक्रम को पूरा आखिरी तक देखना। प्यारे दोस्तों, यह बात आपको अच्छे से पता होगा कि दुश्मन कोई और नहीं होता है, आपका अपना ही होता है। जब आप किसी व्यक्ति पर बहुत ज्यादा भरोसा करने लग जाते हैं, बहुत ज्यादा विश्वास करती है, और उस व्यक्ति से आप आगे बढ़ने लग जाते हैं, तो वह व्यक्ति आपका दुश्मन बन जाता है। वह कभी नहीं चाहता है कि आप उनसे आगे बढ़े, वह कभी नहीं चाहता है कि आप अच्छा जीवन जिए। इसीलिए प्यारे दोस्तों, वह व्यक्ति आपका दुश्मन बन जाता है और आपको बर्बाद करने के लिए तरह तरह का हथकंडे अपनाने लगते हैं। इसीलिए प्यारे दोस्तों, कभी किसी व्यक्ति पर इतना भी भरोसा मत करो कि वह व्यक्ति आपका पूरा जिंदगी बर्बाद कर दे, क्योंकि प्यारे दोस्तों, जब आप किसी व्यक्ति पर बहुत ज्यादा भरोसा करने लग जाते हैं, तो वह व्यक्ति आपका भरोसे का गलत फायदा उठाने लग जाते हैं। आप उस व्यक्ति पर आंख मूंद कर भरोसा करते हैं और वह व्यक्ति आपसे एक एक करके सभी राज्य की बात जान लेते हैं कि आने वाले समय में आप क्या करने वाले हैं, अगला कदम आपका क्या होने वाला है, कौन सा क्षेत्र में आप अपना कदम रखने जा रहे हैं। यह सारी बातें जानकर आपके ऊपर तांत्रिक बाबा से जादू टोना करवाता है और आपका काम बिगाड़ने का प्रयास करता है। लेकिन आपके ऊपर देवों के देव महादेव जी का आशीर्वाद है, इसीलिए आपका दुश्मन कभी भी कामयाब नहीं हो पा रहा है। दू ने आपको बर्बाद करने के लिए कई बार साधु बाबा से जादू टोना करवाया है, लेकिन आपका दुश्मन कामयाब नहीं हो पाया है, क्योंकि महादेव जी ने आपको हर बार बचा लिया। इसलिए प्यारे दोस्तों, महादेव जी का शुक्रिया अदा जरूर करें। प्यारे दोस्तों, आपका जो दुश्मन है, उस व्यक्ति का नाम आर अक्षर से शुरू होता है। प्यारे दोस्तों, अगर आपकी जिंदगी में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जीन का नाम आर अक्षर से शुरू होता है, तो उनसे दूरी बना ले। प्यारे दोस्तों, आपके लिए एक खास ज्योतिष कार्यक्रम आ चुकी है, जिसका आप सभी को लंबे समय से इंतजार था। इस ज्योतिष कार्यक्रम को पूरा देखने से आपके जीवन की सारी समस्याएं और दुख दूर हो सकते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आपके घर में गरीबी और पैसों से जुड़ी तंगी है, तो आपको यह काम तुरंत कर लेना चाहिए। प्यारे दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, घर में रखी हुई बेकार वस्तुओं को बाहर निकाल देना चाहिए।
इससे घर में सुख शांति आएगी, काम बनेंगे और रुके हुए कार्य शुरू हो जाएंगे। हम सभी मेहनत करते हैं और सफलता पाने के लिए कई तरीके अपना बनाते हैं, लेकिन कभी कभी मेहनत के बावजूद हमें अच्छे परिणाम नहीं मिलते। इसका एक कारण हमारे घर में रखी नकारात्मक वस्तुएं हो सकती हैं, जो गरीबी और तंगहाली का कारण बनती है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कौन सी चीजें हैं जिन्हें आपको तुरंत अपने घर से निकाल देना चाहिए। ज्योतिष कार्यक्रम को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। श्री कृष्ण भगवान की कृपा आपके परिवार पर बनी रहे। हम जानते हैं कि निर्जीव वस्तु में नकारात्मक ऊर्जा हो सकती है। इन वस्तुओं को घर में रखने से दुर्भाग्य, गरीबी और तंगहाली का सामना करना पड़ सकता है। हम आपको 10 ऐसी चीजें बताने जा रहे हैं जिन्हें घर में नहीं रखना चाहिए। अगर इनमें से कोई भी वस्तु आपके घर में हो तो उसे तुरंत हटा दें, ताकि आपके घर में समृद्धि और लक्ष्मी का वास हो सके। चलिए ज्योतिष कार्यक्रम की ओर बढ़ते हैं। पहली चीज है पुराने या फटे हुए कपड़े। फटे पुराने कपड़े घर में नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण कर सकते हैं। इन्हें दान कर देना सबसे अच्छा होता है। अगर आपके घर में पुरानी या फटी हुई वस्तुएं हैं, जैसे कि कपड़े, तो इन्हें किसी और काम में इस्तेमाल करना चाहिए या इन्हें तुरंत घर से बाहर निकाल देना चाहिए। ऐसा न करने पर यह वस्तुएं नकारात्मक ऊर्जा का कारण बन सकती हैं। घर में नकारात्मक ऊर्जा से बचने के लिए ऐसी वस्तुओं को पोटली में बांधकर रखना उचित नहीं है। दूसरी बात, देवी देवताओं की पुरानी या फटी तस्वीरें और मूर्तियां भी घर में ना रखें। अगर किसी देवी देवता की मूर्ति या चित्र खंडित हो गए हैं तो उन्हें किसी नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। पुरानी तस्वीरों और मूर्तियों को रखने से आर्थिक नुकसान हो सकता है। मूर्ति और चित्र को एक ही स्थान पर और सही संख्या में रखना चाहिए, इससे वास्तु दोष कम होगा। इसके अलावा घर की छत पर अगर गंदगी या फालतू सामान पड़ा हो तो इसे तुरंत साफ करना चाहिए। छत पर गंदगी होने से पैसों की तंगी और परिवार की बरकत पर बुरा असर पड़ सकता है। कई लोग देवी देवताओं के पास से तांबे की वस्तुएं या अंगूठियां ले आते हैं और उन्हें घर में इधर उधर रख देते हैं, लेकिन इनका बिना सही जानकारी के उपयोग से नुकसान हो सकता है। इसलिए इन वस्तुओं को घर से बाहर निकाल देना उचित रहेगा। यदि आपके पास तांबे की कोई वस्तु है जिसे आप गले में नहीं पहनते और उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो उसे नदी में प्रवाहित कर देना उचित होगा। अब पांचवी बात पर आते हैं। घर में टूटी फूटी वस्तुएं रखने से भाग्य पर असर पड़ता है। चाहे कोई भी वस्तु हो, यदि वह टूटी फूटी या गैर जरूरी है तो उसे घर में नहीं रखना चाहिए। इन वस्तुओं की वजह से वास्तु दोष उत्पन्न होता है, जिससे लक्ष्मी का आगमन रुक सकता है। खासकर कांच और चीनी के टूटे बर्तन तुरंत घर से बाहर फेंक देना चाहिए। छठी बात, घर में ताजमहल, डूबती ना वना व फव्वारा, जंगली जानवरों या कांटेदार पौधों की तस्वीरें ना लगाएं। ये चित्र नकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करते हैं और जीवन में सुखद घटनाओं को रोक सकते हैं। अगर ऐसी तस्वीरें घर में हैं तो उन्हें तुरंत हटा दें। सातवीं बात, टूटी फूटी अलमारियां भी घर में नुकसान का कारण बन सकती हैं। ऐसी अलमारियां पैसे की हानि का संकेत हो सकती हैं और घर के कामकाज में रुकावट डाल सकती हैं। यदि अलमारी टूट हुई है तो उसे ठीक कराएं या घर से बाहर फेंक दें। आठवीं बात, मकड़ी के जाले घर में अशुभ माने जाते हैं। मकड़ी के जाले को तुरंत हटा दें, क्योंकि यह वास्तु दोष उत्पन्न कर सकते हैं और घर की सुख शांति को प्रभावित कर सकते हैं। यदि आपके घर की छत या किसी कोने में मकड़ी का जाला हो तो उसे तुरंत हटा दें। अब हम सातवीं बात पर आते हैं। टूटी हुई कुर्सियां और टेबल घर में तरक्की को रोक सकती हैं। अगर आपके घर में कोई टूटी हुई टेबल या कुर्सी है तो उसे तुरंत हटा दें। ऐसी वस्तुएं आपके पेशे और विकास को प्रभावित कर सकती हैं। आठवीं बात, घर में घड़ी का भी विशेष ध्यान रखें। खराब या खराब घड़ी प्रगति को रोक सकती है। अगर आपके घर में कोई खराब घड़ी है तो उसे ठीक कराएं या बाहर फेंक दें। इन चीजों को घर से निकालने से आपके जीवन में सुधार हो सकता है और लक्ष्मी का वास हो सकता है। दोस्त, प्यारे दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, अगले 24 घंटे के अंदर एक और बड़ा भयानक बदलाव आपके साथ होने वाला है। यह बड़ा भयानक बदलाव आपका किस्मत बदल के रख देगा। प्यारे दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, जीवन में कभी भी यह एक काम मत करना, आपका जीवन में खुशियों का कमल खिल उठेगा। प्यारे दोस्तों,
जानकारी के लिए आपको बता दें, माता पिता से बढ़कर दुनिया में कोई दौलत नहीं होता है। अगर आपके पास माता पिता है तो आप सबसे अमीर इंसान हैं। प्यारे दोस्तों, माता पिता का साया जब तक आपके सर पर रहेगा तब तक आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। प्यारे दोस्तों, अगर आपके सर पर माता पिता का आशीर्वाद है तो आप सारी दुनिया से लड़कर जीत हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके ऊपर माता पिता का आशीर्वाद नहीं है, माता पिता का साया आपके ऊपर नहीं है, तो सारी दुनिया जीत कर भी आप हार जाएंगे। इसलिए प्यारे दोस्तों, अपने माता पिता कभी भी किसी प्रकार का कष्ट ना दें। हमेशा अपने माता पिता को खुश रखने का प्रयास करें। कभी भी कोई ऐसा वाणी माता पिता के सामने ना बोले जिससे माता पिता को दुख हो। प्यारे दोस्तों, मैं आपको गारंटी देता हूं, आपका जीवन स्वर्ग जैसा सुंदर हो जाएगा। आपका जीवन कमल की तरह खिल उठेगा। आपको बधाई हो, आपके जीवन में एक नया अध्याय खुलने वाला है। अब आप बड़ी खुशखबरी और एक नए सफर के लिए तैयार हो जाइए। अगले 24 घंटों में आपके जीवन में कई महत्वपूर्ण बदलाव आने वाले हैं जो आपके भाग्य को नया मोड़ देंगे। आपकी जानकारी के लिए शनिदेव ने आपके लिए बड़ा फैसला लिया है। उनके आशीर्वाद से आने वाले समय में आपको 5 बड़ी खुशखबरियां मिलेंगी जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकती हैं। शनिदेव के साथ साथ माता पार्वती जी के आशीर्वाद से आपके लिए एक बेहद शुभ समय आ रहा है। इस समय आपको बड़ी धन लाभ और सफलता मिल सकती है जिससे आपके जीवन की दिशा बदल जाएगी। इसलिए इस समय का पूरा लाभ उठने के लिए सतर्क रहे और किसी भी मौके को हाथ से न जाने दें। ज्योतिष कार्यक्रम देखने से पहले कृपया इसे एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में 3 बार शनिदेव जी का नारा लगाएं। इससे आपके दुख और समस्याओं के साथ साथ आपके दुश्मनों का भी अंत होगा। इस ज्योतिष कार्यक्रम में हम बात करेंगे कि अगले 24 घंटे के अंदर आपको कौन कौन सी खुशखबरी मिल सकती है। इस समय आपकी कुंडली में कई शुभ योग बन रहे हैं, जैसे कि काल सर्प योग, शश योग, भाग्यवान योग, सर्वार्थ सिद्ध योग, राज योग और धन योग। इन योगों के प्रभाव से आपको हर क्षेत्र में लाभ ही लाभ होगा। इस शुभ समय का पूरा लाभ उठाने के लिए ज्योतिष कार्यक्रम को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखें। ध्यान रखें कि इस समय किसी भी गलती से बचना जरूरी है, वरना आपकी खुशियों पर पानी फिर सकता है। आने वाले 24 घंटे में एक दुर्लभ घटना होने वाली है। सूर्य और चंद्रमा ने अपना राशि परिवर्तन किया है और 2 बड़े ग्रह भी अपना स्थान बदलने वाले हैं। इन ग्रहों की युति आपके जीवन में बड़े परिवर्तन ला सकती है, इसलिए सतर्क रहे और इस समय का पूरा फायदा उठाने के लिए ज्योतिष कार्यक्रम को अंत तक देखें। धन्यवाद और आपके भविष्य के लिए शुभकामनाएं। जी हां, आप शायद सुनकर विश्वास नहीं कर पाएंगे, लेकिन ऐसा सचमुच होने वाला है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको अपनी स्थिति पर चिंता हो रही है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आज की ज्योतिष कार्यक्रम में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। कृपया थोड़ा सा समय निकालें और ज्योतिष कार्यक्रम को अंत तक देखें। इस ज्योतिष कार्यक्रम में मैं आपको ऐसी जानकारी देने वाला हूं जो आपके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकती है। आने वाले 24 घंटे के अंदर एक बहुत बड़ी घटना आपके साथ घटित होने वाली है, जो कलयुग की सबसे बड़ी और दुर्लभ घटना होगी। आपके मन में कई सवाल और आशंकाएं उठ रही होंगी, लेकिन याद रखें, ऊपर वाला जो करता है सबके अच्छे के लिए करता है। जीवन में अचानक बदलाव होने पर यह समझना चाहिए कि ईश्वर ने आपके लिए कुछ बड़ा प्लान किया है। जब जीवन में सब कुछ उलट पुलट हो जाए तो यह संकेत है कि ईश्वर आपके लिए कुछ बेहतर सोच रहे हैं। इसलिए अपना ध्यान भगवान की ओर लगाएं और प्रार्थना करें। हे प्रभु, आप ही सबके रक्षक हैं और सब कुछ आपके हाथ में है, कृपया मेरी मदद करें। अगर आपका जीवन स्वर्ग से भी सुंदर नहीं बनता तो मुझे बताइए, ईश्वर ही सब कुछ तय करते हैं और उनका काम सबको राह दिखाना है। आने वाले 24 घंटों में आपको बहुत सोच समझकर कदम उठाने की आवश्यकता होगी, वरना आप दुश्मनों की चालों में फंस सकते हैं। अंतरिक्ष में सबसे बड़े ग्रह मंगल ने अब आपकी कुंडली में प्रवेश किया है और लंबे समय तक आपके पक्ष में रहेगा। इससे आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे। आप वर्षों से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अब आपको मेहनत का फल मिलेगा। भगवान शनिदेव जो कर्म फल देता है, अब आपके जीवन में बदलाव लाएंगे। गीता में भी कहा गया है कि मेहनत करो, फल की चिंता मत करो। भगवान शनिदेव ही सही न्याय करेंगे। अगर आप सही रास्ते पर हैं
और फिर भी कुछ गलत होता है तो भगवान से प्रार्थना करें। हे प्रभु, आप सब कुछ देखते हैं, कृपया न्याय करें। अगर आपको ज्योतिष कार्यक्रम पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से 3 बार जय शनिदेव जी लिखें। अगर शनिदेव जी प्रसन्न हो गए तो उनकी विशेष कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। पिछले 5 सालों से अगर आपके जीवन में कोई अच्छा बदलाव नहीं आया है और आप जो भी प्रयास करते हैं उसका उल्टा परिणाम मिलता है, तो इसका कारण आपके कुंडली में शनि ग्रह का प्रभाव हो सकता है। जिन लोगों की कुंडली में शनि ग्रह होता है उनके जीवन में अक्सर तनाव व अशांति और क्रोध की समस्याएं बनी रहती हैं। अगर आप शराब का सेवन करते हैं या किसी जीव की हत्या करके भोजन बनाते हैं तो आपकी परेशानियां और बढ़ सकती हैं। इन समस्याओं से राहत पाने के लिए आप भैरव बाबा को शराब चढ़ा सकते हैं, काले तिल का दान कर सकते हैं या घर में काले तिल रख सकते हैं। इससे शनि ग्रह का प्रभाव कम हो सकता है। अब चलिए ज्योतिष कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अगले 24 घंटे के राशिफल की जानकारी ले हैं। अगले 24 घंटों में आपको कौन सी बड़ी खुशखबरी मिलेगी, क्या कामयाबी प्राप्त होगी और किन बदलावों की संभावना है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। ज्योतिष कार्यक्रम को अंत तक जरूर देखें। आप आज सच्चे और ईमानदार लोगों से मिलना पसंद करेंगे, लेकिन आज आपको ऐसे लोगों से भी सामना हो सकता है जो अपनी असलियत छिपाए रखते हैं। उन्हें पहचानने की कोशिश करें और किसी भी निर्णय को अंतिम रूप देने से पहले अच्छी तरह से इसे सोच समझ लें। आज आपकी सेहत अच्छी रहेगी क्योंकि आप भावनात्मक रूप से खुश और आत्मविश्वास महसूस करेंगे। यह दिन सकारात्मकता से भरा रहेगा और कोई महत्वपूर्ण कार्य पूरा करने के लिए अच्छा समय है। आपके निजी संबंध में आपके पार्टनर की खुशी और हंसी का असर आपके मन पर भी अच्छा पड़ेगा। कठिन समय के बाद अब आपको अपने पार्टनर के साथ समय बिताना चाहिए और आनंद लेना चाहिए। हालांकि कार्यस्थल पर आपको कुछ मामूली समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए धैर्य रखें और अपने सहकर्मियों के साथ समझदारी से पेश आएं ताकि मनोबल पर नकारात्मक असर ना पड़े। आपकी प्रवृत्तियां आज बहुत सक्रिय रहेंगी और आपको अपनी ईंठन पर ध्यान देना चाहिए, भले ही दूसरों की राय अलग हो। अपने रास्ते में आने वाले अवसरों को पकड़ने के लिए अपनी आंखें और कान खुले रखें। आप बाहरी तौर पर शांत दिख सकते हैं लेकिन अंदर से भावनात्मक उतार चढ़ाव का सामना कर रहे हैं। प्यारे दोस्तों, प्रभु श्री राम का लेखा पत्थर का लकीर होता है, इसलिए प्यारे दोस्तों प्रभु श्री राम का लिखा कोई गलत साबित नहीं कर सकता है। प्यारे दोस्तों, इस जानकारी के लिए आपको बता दें, अगले 24 घंटे के अंदर आपका जिंदगी में बहुत बड़ा तमाशा होने वाला है। प्यारे दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, अगले 24 घंटे के अंदर आपके साथ जो बड़ी घटना होने वाला है सुनकर आपको पूरा शरीर कांपने लगेगा तथा आपका नींद और चैन दोनों उड़ जाएगा। प्यारे दोस्तों, इस जानकारी के लिए आपको बता दें, इतना बड़ा खुशखबरी प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से आपको मिलने वाला है, क्योंकि प्यारे दोस्तों प्रभु श्री राम जी ने आपका प्रार्थना स्वीकार कर लिया है। जी हां प्यारे दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, प्रभु श्री राम जी ने आपका प्रार्थना स्वीकार कर लिया है। इसलिए प्यारे दोस्तों, अब आपको कई बड़ी खुशखबरी मिलने वाला है। प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से आपके जीवन में जो घटना होने वाला है वह घटना कोई ऐसा वैसा घटा नहीं है। प्यारे दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से जो घटना आपके जीवन में होने वाला है उससे आपका पूरा जिंदगी बदल जाएगा। जी हां प्यारे दोस्तों, प्रभु श्री राम जी के आशीर्वाद से इतना बड़ा और भयंकर चमत्कार अब आपके जीवन में होने वाला है। प्यारे दोस्तों, अगले 24 घंटे के अंदर प्रभु श्री राम की कृपा से आपके जीवन में यह चमत्कारी घटना हर हाल में होकर रहेगा। प्यारे दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, आपका दुश्मन का अंतिम समय आ चुका है। अब आपका दुश्मन का मनमानी नहीं चलेगा। दुश्मन ने आपके ऊपर बहुत जुल्म कर लिया है, अब और नहीं, अब दुश्मन का बुरा समय शुरू होने वाला है और आपका अच्छा समय की शुरुआत होने वाला है। इसलिए प्यारे दोस्तों, इस समय को बिल्कुल भी हाथ से जाने मत देना, नहीं तो प्यारे दोस्तों जिंदगी भर पछताते रहोगे। प्यारे दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, अगले 24 घंटे के अंदर जो बड़ा मौका आपको मिलने वाला है, ऐसा मौका हर किसी को नहीं मिलता है। आप बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत किस्मत वाले हैं जो प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से इतनी बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाला है।
प्यारे दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से अब आपका जीवन स्वर्ग जैसा सुंदर होने वाला है, ऐसा संदेश आपके लिए लेकर आया हूं। तो प्यारे दोस्तों, अगले 24 घंटे के अंदर आपको कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी मिलने वाला है, कौन कौन सा बड़ा चमत्कार आपके साथ होने वाला है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी विस्तार से आपको बताने वाले हैं। साथ ही प्यारे दोस्तों, आपको यह भी बताएंगे कि आपके लिए ऐसा कौन सा शुभ संदेश लेकर आए हैं जिससे आपका जीवन स्वर्ग जैसा होने वाला है। सब कुछ आपको इस ज्योतिष कार्यक्रम में बताएंगे। प्यारे दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, हैं अगले 24 घंटे के अंदर बहुत बड़ा झटका आपको लगने वाला है, क्योंकि प्यारे दोस्तों, प्रभु श्री राम जी ने आपके लिए एक बहुत बड़ा फैसला ले चुका है। जी हां प्यारे दोस्तों, प्रभु श्री राम जी ने आपके पक्ष में बहुत बड़ा फैसला ले चुका है। अब आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होगा और सबसे जरूरी बात यह है, बड़ा बदलाव आपके हित में होने वाला है। प्यारे दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, बहुत भारी नुकसान अब आपको होने वाला है। प्यारे दोस्तों, आपके जीवन में कौन कौन सी घटना घटित होने वाला है और कौन कौन सा खुशखबरी आपको मिलेगा, सब कुछ विस्तार से आपको बताएंगे। इसलिए प्यारे दोस्तों, ज्योतिष कार्यक्रम को बिल्कुल अकेले में देखना, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका और आपके परिवार की होश उड़ जाएंगे, क्योंकि प्रभु श्री राम जी यह समय आपके ऊपर मेहरबान है और अगले 24 घंटे में आपको कौन कौन से बड़ी खुशखबरी देने वाले हैं, चलिए आगे इसके बारे में विस्तार से बात करते हैं। तो वीडियो को आगे ध्यान से देखिएगा, वरना जीवन भर पछताओगे दोस्तों, क्योंकि प्रभु श्री राम जी आप सभी के ऊपर में अरमान हो चुके हैं और आपके लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आए हैं। और कौन कौन से खुशखबरी, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें, प्यारे दोस्तों, प्रभु श्री राम जी की कृपा से आज के अगले 24 घंटे आपके जीवन में नई ऊर्जा और सकारात्मकता लेकर आएंगे। प्रभु की अनुकंपा से आपके मन में जो भी आशंकाएं थीं वे दूर होंगी और आपको हर काम में सफलता प्राप्त होगी। आज का दिन आपके लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि प्रभु राम जी की कृपा से आपके मनोबल में वृद्धि होगी और आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में प्रगति करेंगे। आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से आज का दिन उत्तम रहेगा। प्रभु राम जी की कृपा से आप मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ महसूस करेंगे। यदि किसी पुराने रोग से पीड़ित थे तो आज आपको उससे राहत मिलेगी। दिन भर ऊर्जा से भरे रहेंगे, जिससे आप अपने कार्यों को बेहतर तरीके से पूरा कर पाएंगे। अपने खान पान पर विशेष ध्यान दें और समय पर भोजन करें, ताकि प्रभु की कृपा से आपका स्वास्थ्य उत्तम बना रहे। करियर के मामले में भी आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा। प्रभु राम जी की कृपा से आपके प्रयासों में सफलता मिलेगी और आप अपने कार्यक्षेत्र में उच्च स्थान प्राप्त करेंगे। यदि आप नौकरी में हैं तो आज आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, जिसे आप पूरी मेहनत और लगन से निभाएंगे। व्यापारियों के लिए भी आज का दिन लाभकारी रहेगा। नए समझौते और व्यावसायिक अवसर आपके सामने आएंगे, जिन्हें प्रभु की कृपा से आप सफलतापूर्वक संपन्न करेंगे।